इसमें x भी सेम नहीं और y भी सेम नहीं, आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कटेंगे ही नहीं, तो फिर क्या करें, ये 3x था और ये x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो जाएगा, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, इक्वेशन 1 को, ऐसा कोलन से 3 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू क्या इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सा है, उसको कैसे लिखना, ब्रैकेट में लिखना पूरा का पूरा, हाँ तो बताओ 3 में मल्टीप्लाई करना इक्वेशन, तो बताओ 3 इंटू x, फिर 3 5 जा 15 और 3 इंटू 14, अभी नया इक्वेशन बना कि नहीं, अब जो पहले से 3x वाला था, पहले से 3x वाला कौन था, ये वो उसके नीचे तुरंत लिख देना नंबर 2, वो 2 नंबर गई है, अब बताओ हो गए ना सेम 3x 3x, अब इनको लिखो, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, तो ये 3 है और ये 2 है, पहले लिख दिया, अब सोच रहा हूँ कि एडिशन करूँ या सब्सट्रैक्शन, तो नेचुरली कट रही क्या, थ्री एक्स थ्री एक्स कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन, तो बताओ प्लस का क्या होगा, माइनस, अब ये माइनस 3x बन चुका है, 3x माइनस 3x ये माइनस 2 बन चुका है, 15 माइनस 2 13, ये माइनस 3 बन चुका है, 42 माइनस 3 39, अब बताओ 13 ने मल्टीप्लाई किया है तो 13 में क्या करना, डिवाइड, ये बात हमेशा याद रखना, जो चिपकू रहता है ना चिपकने वाला वो मल्टीप्लाई करता है, तो वो क्या करता है उधर डिवाइड, वो 13 उधर नीचे जाएगा, बताओ 13 का पाड़ा 13 मतलब वैल्यू मिलने के बाद बॉक्स में डाल देना, और इसके बाद क्या करना, वो जो वैल्यू मिल गई वो किसी भी इक्वेशन में पुट करना, 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, जो आपको इजी लगे, कौन सा 1, तो 1 में लिख दो, विभ्य 1, तो जिसमें पुट करो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 को लिख दो पहले, हाँ सर यही है वो, इसमें पुट करो y की वैल्यू 3, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 3 लिखो, ये बाकी सब जैसा है वैसा, फटाफट लिखना y की जगह 3, बाकी सब है 3, अभी मल्टीप्लाई में अब सॉल्व करो, 5 3 15, बाकी जैसा है वैसा, बस इतना ही सॉल्व किया, अब 15 को शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लस का क्या होगा, कितना आया, 1 आया, 1 नहीं ग्रेटर नंबर का साइन आता, तो देयरफॉर बताओ पहले x की वैल्यू लिखना और बाद में y की वैल्यू, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, अब नेक्स्ट दे रहा हूं और नेक्स्ट का आपको सॉल्व करना, ठीक है, ये वो नेक्स्ट, बंद करो तो बात करो, करो इधर देखो, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर ये x होता सिर्फ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3x 3x हो जाता, अगर मान के चलो ये सिर्फ y होता, इसको भी 3 से कर देते तो ये 3y, नहीं सॉरी ये y होता सिर्फ, ये कौन है, इसको किससे कर दे, 2 से, सबको कर दे फिर हो गया होता ना, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन हो जैसे कि ये y, तो बताओ ये 3y और ये y, तो इसको किससे करेंगे, 3 से, तो हो जाएगा ना, तो कहने का मतलब अगर किसी के कोई अगर कोएफिशिएंट खाली पड़ा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं है, जैसे इसमें इसके पास कुछ नहीं, बेचारे के पास तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी लगा सकते हैं, वो अपनी इच्छा है, आप अपनी इच्छा से इसको 3 चिपका दो, तो क्या हो गया, वो 3x हो गया, यानी कोई भी वेरिएबल अगर उसके पास कुछ नहीं है तो हम जो चाहे वो लगा दें, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, कोई खाली बैठा नहीं है, यहाँ पे भी इसके पास 3 और 4 और ये भी नहीं, तो कोई खाली पीली है नहीं सर, आप कैसा करेंगे, जैसे कोई खाली पीली है तो उसको कुछ भी जॉब दे दो कर लेगा, अरे कोई बहुत साल से खाली पीली है उसको जॉब की जरूरत है, तो फिर वो अपने ते मतलब चौने कर देगा, हम तो हाथ जॉब पाएंगे तो जॉब पाएंगे, कोई भूखा है, हाँ कंटिन्यू भूखा है, दिन भर हो गया कुछ नहीं मिला और एक दिन निकल गया दूसरा दिन भी आ गया, तो
फिर वो ये बोलेगा कि मुझे ये सब्जी चाहिए करके, वो समझे यानी बहुत भूखा है तो उसको कुछ भी नहीं तो खाई गया खाली पेट, वैसे ही खाली पेट है यानी ये वाली है इसके पास कुछ नहीं है तो कुछ भी चिपका दो चल जाएगा, इसको थ्री चिपका दो तो कुछ भी चिपकाओ चलेगा, वही हम करते थे अब तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है ऑलरेडी ये सब भरे पेट है सबके पास कुछ ना कुछ है तो सर हम कैसा करें इनको सेम कैसे लाए, कैसे लाए ला तो सकते हैं किसमें एक्स को लाए या वाई को, अब ऐसी केस में क्या होता है डिसीजन हमें लेना पड़ता है, इस केस में क्या होता है हम जो खाली पेट है बेचारे को उसी को चिपका देते कुछ भी यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपका डिसीजन है आप किसी को भी करो किसी को भी चलो है ना ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे अब डिसीजन लेना है, चलो हम वाई को सेम लाने का डिसीजन लेते हैं, किसको सेम लाना है वाई को, आप एक्स को भी ला सकते हो, चलो हमने वाई को सेम लाने का डिसीजन ले लिया, तो सर डिसीजन ले लिया तो फिर करें कैसा सेम, तो क्या करना इनको आपस में मल्टीप्लाई करो आपस में यानी इस टू से इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन टू को, टू से इक्वेशन इसको यानी टू को और थ्री से इक्वेशन वन को आपस में, टू ने इसे यानी इक्वेशन टू को और थ्री ने इसे यानी इक्वेशन वन को, तो करो मल्टीप्लाई टू इन टू क्या इक्वेशन और थ्री इन टू इसको इक्वेशन वन को किया, अब आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा चलो करो टू फोर जा टू थ्री जा और टू वन जा टू, नंबर थ्री नया बन गया, चलो बताओ थ्री थ्री जा और थ्री टू जा और थ्री इंटू ट्वेल्व थर्टी सिक्स, सर एक नई इक्वेशन मिल गई थ्री और फोर, नहीं अब तक तो थ्री मिलता था कुछ मिलता था, अब तक तो एक ही नया इक्वेशन मिलता था ना, अब तो दो दो मिल गए और अब इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो बताओ एक सेम है कि वाई सेम है, वाई क्या सेम है वाई, तो चलो कर सकते हैं इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन, इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर, इक्वेशन थ्री सॉरी इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर, अब बताओ एडिशन करिए या सब्सट्रैक्शन, एडिशन नेचुरली करते हैं ना एडिशन, तो एट साइन जे नहीं होगी एट और नाइन सेवेंटीन माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसल माइनस टू प्लस थर्टी सिक्स थर्टी एट, थर्टी एट हो गया इतनी कितना होगा थर्टी फोर, नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं नहीं, बताओ अभी सर सेवनटीन ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करोगे तो बताओ कितना है, बाकी प्रोसीजर एक जैसी है यहाँ से वही है जैसा पहले पढ़े थे एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो कुछ कटेगा फिर एक्स की वाई की वैल्यू मिलेगी फिर वो वैल्यू दूसरे किसी में पुट करो सब वही है, बस स्टार्टिंग के स्टेप आपको ध्यान देना है इतना बदल गया थोड़ा सा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते उतनी इस पर फोकस करो बाकी तो रूटीन है, अब एक्स की वैल्यू मिलने के बाद किसी में भी पुट करो किस में पुट करो तू मैं करूँ क्या तो किसी में भी कर सकते हो चार चार इक्वेशन है वन टू थ्री किसी भी करो तो ज्यादा इजी थोड़ा आपको जो लगेगा उसमें ये तो जिसमें पुट कर रहे हैं ना उसको लिखना पर लिखोगे ना, और अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करो टू करो तो टू करो और क्या आंसर आता है बता, तो फिर से एक बार इतना बता दे जब कोई ये नहीं है खाली पीली नहीं है सब भरे पेट है या सब रोजगार काम पे काम धंधे पे है कैसा करे सर सबके पास तो सब कुछ है अब कैसा करे क्या करना क्या करना डिसीजन लेना या तो एक्स को सेम लाओ या किसका डिसीजन लिया हमने क्या किया फिर डिसीजन लेने के बाद आपस में एक दूसरे को टू से इसे यानी इक्वेशन टू और थ्री से इक्वेशन और ऐसा लिख देना और करना टू इंटू इक्वेशन टू लिखो और थ्री इंटू इक्वेशन वन लिखो बराबर करो टू फोर जा एट टू थ्री जा सिक्स टू वन जा टू थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जा सिक्स थ्री टू इन जा थर्टी
और अब आ गया वाई सेम, उसके बाद रूटीन स्टेप कैसे सॉल्व करना चाहिए पड़ा है। घर में आपको वही प्रॉब्लम दो दो तीन तीन बार खुद होके करना चाहिए, तब अपने को नया प्रॉब्लम आता है। ये तो कैसे आएगा, जैसे आपको इसकी वैल्यू टू पुट करना था, आपने टू लिखा, बाकी जैसा वैसा। इसके बाद आपका दिमाग कंफ्यूजन में, अब मैं क्या है? क्यों कंफ्यूजन में? क्योंकि आपने जितने प्रॉब्लम मैंने पढ़ा है उसमें आपने वो घर में जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं, खुद होके दो दो तीन तीन बार उसी प्रॉब्लम को करना पड़ता है, उसी स्टेप को। क्योंकि ये सर क्या क्या ऐसा क्या, फिर ट्रिपल करो, अपने मन से करो एक एक दो दो बार, तब जाके परफेक्शन आता है कि क्या कर रहे हैं। फोर टू जा एट, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई की, वाई अकेला चाहिए, तो फिर क्या करें, वाई के साथ दो दो नंबर है, एट माइनस थ्री फाइव मत लिखना, एट माइनस थ्री फाइव मत लिखना, क्योंकि ये वाई है, ये थ्री वाई है, वो कोई थ्री नहीं है, वो थ्री नहीं है, वो कौन है, थ्री वाई है। अगर एक बात बता दो, अगर एट वाई माइनस थ्री वाई होता तो क्या लिखते हैं, दोनों अगर वाई रहे तो एडिशन होगा ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये एट वाई और ये थ्री वाई रहा तो कितना होगा, फाइव वाई। लेकिन बताओ ये एट वाई है क्या, ये टच है, फिर इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो सर फिर वो वाई केस निकाल, तो वाई के साथ दो दो नंबर चिपके ना, तो मैंने कल क्या बताया था कि ये थ्री चिपका हुआ है, इसको मत भेजो पहले, चिपका हुआ बाद में निकलेगा, पहले किसको भेजो, एट को। और अगर आप एट को भेज रहे हैं तो ये जैसा है वैसा, देखो जैसा वैसा निकल गया, कौन जा रहा है, गैप नहीं, कब जाएगा पता, प्लस एट दे दो क्या, अब थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है। और अब बताओ आप किसको लेके जाओ, माइनस थ्री उधर जाएगी, क्या होगा, प्लस थ्री, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ये चिपका हुआ है, चिपका हुआ क्या करता है, मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो ये सर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या करता है, डिवाइड, तो बोलो कितना होगा, थ्री बन जा थ्री, थ्री जा, अब बताओ यही मैं आपको कल तीन चार प्रॉब्लम दिए थे, तो ये स्टेप अपने घर में अपने मन से उन चार प्रॉब्लम की दो दो तीन तीन बार खुद करनी चाहिए, तो फिर आपको नया प्रॉब्लम इजी लगता है कि क्या कर रहे हैं सर, भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो चिपका हुआ है उसको नहीं भेज रहे सर, किसको भेज रहे हैं, दूसरे वाले को भेज रहे, वो फिर क्लियर होता है आप लोगों को, एक ही काम जब हम दो दो चार चार बार एक ही काम करते हैं तो उसके आइडिया आते हैं ये कैसा करना चाहिए। पहली बार जब कोई किसी ने सब्जी बनाना सिखाऊंगा घर में, एक ही टाइम में आइडिया नहीं आता, दो तीन बार चार बार जब हम वही सब्जी बनाते तो एकदम आइडिया आ जाता है कि क्या करना चाहिए, दूसरा क्या, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये एट और वन होता है नाइन, ग्रेटर नंबर का साइन, अब ये चिपका हुआ जाएगा, जो मल्टीप्लाई करता होगा करेगा डिवाइड, थ्री वन जा थ्री, आंसर क्लियर, फिर लास्ट में सॉल्यूशन के लिखोगे, x की 2 y की 3 is the required solution। अब आप अपने टेक्सटबुक के सब प्रॉब्लम कर लो, होमवर्क करो, ठीक है। अभी एक बात और बता देते, एक बात बताओ, ये आपने इस प्रॉब्लम में रक्षा है ना रे, इस प्रॉब्लम में आपने, मैंने क्या कहा था, कोई भी खाली पीली नहीं है, सब भरे बैठा है, सबके पास कुछ ना कुछ है, तो सर सेम कैसे लाएं, तो डिसीजन लेने के लिए कहा था ना मैंने, हमने किसका डिसीजन लिया, वाई का, तो टू ने इसे और थ्री ने इसे, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर एक्स का डिसीजन लिया होता तो भी उसका आंसर कैसे आता, मैं अभी फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने कौन सा डिसीजन लिया था, एक्स वाला, और ये आंसर आप वीडियो में देख लेना, ठीक है, इसका भी आंसर। चलो शुरू करते, अगर आप में से कोई एक्स का डिसीजन लेता है क्या करना पड़ेगा, फोर से ही से यानी, और थ्री से ही से, थ्री से ही से, अरे इसे यानी इक्वेशन टू को, और फोर से इक्वेशन टू को, चलो करो, थ्री से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन टू को,
और 4 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि हमने डिसीजन x का लिया, x वो हमारे ऊपर है डिसीजन लेना, x का है y। चलो करो, 3 4 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलो अभी 4 से 4 3 जा 9 4 2 जा 8 और 4 into 12 4 into 12 8। और अब बताओ इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब आप अच्छे से बताओ कि इनमें सेम आया कि नहीं, एक्स एक सेम आया कि नहीं आया, आया ना 12x 12x। थोड़ी देर पहले हमने y का डिसीजन लिया था तो 6y 6y दोनों जगह आया था, अब x का डिसीजन लिया तो 12x 12x आ गया, आगे ना सेम। चलो बताओ नेचुरली करते हैं क्या, नहीं क्या करे, तो साइन चेंज। बताओ प्लस 12 माइनस 12 कर दिया, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 1 नहीं माइनस 9 और माइनस 8 है वो, दोनों नेगेटिव मिल जाएंगे 17 ग्रेटर तो पर का साइन। माइनस 3 माइनस 48 दोनों नेगेटिव है, अब बताओ थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही था, तो ये मल्टीप्लाई वाला क्या करता है डिवाइड, तो ये माइनस 17 का है डिवाइड में 73 का। और अब बताओ 4x की वैल्यू 3 तीन इक्वेशन वन में करूँ या टू में करूँ, वन में करूँ, चलो फिर से टू मैच करता हूँ, चलो टू वन में करो, बोलो कोने वन एक्स प्लस रिपीट अगर ये मेरे पढ़ाने से और आपके देख के लिखने से आपका मैथ्स कभी नहीं बनेगा। एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू है ये वाई, ये वाई की वैल्यू मेरे इधर है, अब वाई की वैल्यू पुट करो इक्वेशन वन में, तो इक्वेशन वन को लिखो 3 एक्स टू वाई की वैल्यू 3। अब बताओ क्या करना, क्या करना थोड़ी देर पहले, और एक चिपका है और एक चिपका नहीं है, किसको भेजू, किसको भेजू, इसको होता प्लस 6 का क्या होगा, बोलो कितना है, अभी चिपका हुआ क्या करेगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड आ गया ना, तो है कि नहीं इजी, एक्स की 2 वाई की 3 बस आंसर तो वही आया ना, आंसर वही आया, तो आंसर वही आया ना, आंसर कैसे बदलेगा, चाहो तुम एक्स को सेम लाओ या y को, तुम मेथड कोई भी यूज करो, समझ रहे हैं। तो अभी इसके जैसे हो रहे थे, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो डिसीजन आपको लेना है, x को भी सेम ला सकते हैं या आपके ऊपर रहता है, ठीक है ओके। तो वहां के कर लो पूरे, आता तुमची एक एक कागदावर ना नाव लिया बरं सर्वजण।